कर दी। हेलो गाइस, कैसे हो भाई? आप सबको राम राम भाई। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, ठीक है। तो कुछ मेरे भाई कमेंट आ रही थी कि भाई सबसे पहले आप घर पे रहते हो तो सबसे पहले क्या करते हो भाई? तो भाई सबसे पहले मैं घर पे अगर रनिंग करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, तो भाई मैं अपने रात के वर्कआउट में मतलब रात को जो भिगो कर रखता हूँ, चने हो गई और भाई मूँगफली हो गई, ठीक है, और क्या नाम है हरी मूँग होती है वो हो गई भाई, तो उन सबको भिगोता हूँ। और मुनक्के भाई, मुनक्के तो भाई गर्मी के लिए ऐसी चीज़ है भाई, कसम से बता रहा हूँ, जिसने खा लिए ना सांस गलत ऐसा चलेगा गोली की तरह, पानी की तरह, ठीक है। तो भाई जैसे मैं आप सुबह को उठता हूँ तो जो मैंने रात को सामान भिगो हुआ है तो उन सब में से जो मैं खाने वाली चीज़ है वो है भाई मुनक्के। मुनक्के मैं खाता हूँ, उसके बाद मैं अपने वर्कआउट के लिए आता हूँ, और वर्कआउट करने से पहले धीरे धीरे वार्म अप करता हूँ, क्योंकि भाई ऐसा अगर वार्म अप हम नहीं करेंगे वार्म अप तो भाई बॉडी में इंजरी भी आ सकती है, तो उससे क्या है हमारी जो बॉडी पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है वर्कआउट करने के लिए। और भाई वर्कआउट करो आप, जैसे कि आज क्या है भाई, कौन सा दिन आज? आज भाई फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ठीक है। तो जैसे कि आज मैं सुबह नहीं आ पाया तो मेरे को शाम को टाइम मिला, और ऐसा कुछ नहीं है रनिंग के लिए कभी भी आ सकते हो भाई, सुबह को टाइम मिलता सुबह को, शाम को मिलता शाम को, कभी भी आओ भाई, पर करो वर्कआउट, जब इस जीवन में आओ ना कुछ करके जाओ भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। आज है फ्राइडे तो आज मेरा मन था कि 10 किलोमीटर मैं रनिंग करूं, पर यहां पे साइड कोई दिख नहीं रहा वर्कआउट के लिए, क्योंकि भाई थोड़ा ग्राउंड खाली खाली था, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, हम सुबह ही करेंगे वर्कआउट। सुबह का वर्कआउट भाई 10 किलोमीटर लगाऊंगा मैं, ठीक है। और भाई सुबह क्योंकि काफ़ी सारे बंदे होते हैं तो अच्छा लगता है, कोई हमने काटता है या हम उन्हें काटते हैं, बन के चलता है, मतलब बैच पूरे एकदम फीलिंग आती है जैसे कि आर्मी की भर्ती चल रही हो, इस तरीके से भगते हैं बंदे, तो इससे क्या हमारा भगने का डर भी निकलता है। तो भाई ये सीन है, तो 10 किलोमीटर वर्कआउट है, उसके बाद मैं एक वर्कआउट के बाद 800 मीटर या 1200 मीटर जरूर मारता हूँ, क्योंकि एक तरीके से ऐसा होता है ना सबका फेवरेट सब्जेक्ट कि भाई इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ, तो भाई तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट 800 मीटर, 1200 मीटर, 1500 मीटर, इस तरीके से हर वर्कआउट के बाद, कितना भी टाइम है टाइम से मतलब नहीं है, इससे क्या भाई मेरा दौड़ने का डर निकलता है, सबसे पहली बात ये। और भाई कुछ मेरे भाई पूछ रहे थे कि भाई शूज़ के बारे में, तो शूज़ भाई ऐसा कुछ नहीं है, जैसे जिसके पास पैसे है वैसे जूते ले सकते हो। और मैंने भी जब रनिंग फर्स्ट टाइम स्टार्ट करी थी भाई तो मेरे पास भी शूज़ ज़्यादा अच्छा नहीं था, मैंने अपनी रनिंग, हो सकता है जितने भी तैयारी कर रहे हैं बंदे भाई उन सबके पास एक ही जूता होगा, वो भी गोल्ड स्टार, और उन गोल्ड स्टार के जूते पहन के मैं 1600 मीटर मारता था, तो मेरा टाइम आता था शायद, मैं थोड़ा जल्दी बोलूँ आराम से बोलता हूँ, मेरे पास जो जूते थे तो उसका टाइम आता था 6 मिनट 20 सेकंड 1600 मीटर का। तो भाई उसके बाद फिर मैंने नंगे पैर भी स्टार्ट करी जूते में भी, पर जूते पहन के थोड़ा दिक्कत होती थी दौड़ने में, पर ये है जूते पहन के जब मैं दौड़ता था तो उसके बाद जैसे नंगे पैर दौड़ता था तो पाँव चलते थे खटाखट गोली की तरह, तो टाइम अपना टूटता था। उसके बाद भाई मैंने सेगा भी यूज़ करी, उसके बाद सागा भी आए, बहुत सारे जूते आए, पर अगर आपको टाइम लगाना है तो भाई टाइम तो मैं हमेशा नंगे पैर ही लगाता हूँ, क्योंकि मेरा भाई बेस्ट टाइम नंगे पैर ही आता, जूते पहन कभी नहीं आया, आज तक नहीं आया। कुछ भाई बोल रहे कि 500 वाला जूता भी क्या दौड़ेगा जो नंगे पैर, ऐसा कुछ ना भाई, जिसके पास जैसे पैसे वैसे जूते लो, मेरे पास पैसे हैं मैंने जूते ले लिए SL20, ठीक है, नहीं थे मैं नंगे पैर ही दौड़ता था, उससे पहले सेगा, सागा, गोल्ड स्टार सब लिए भाई। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, दबा के दौड़ो भाई, जिस ज़िंदगी में आए हो तो कुछ करके जाना, कसम खा लो भाई, क्योंकि भाई घर वाले हमारे आस लगा के बैठे हैं, अब बहुत से बकचोदी मानने वाले थे बहुत है कि भाई इतने टाइम अगर दौड़ते दौड़ते अभी नंबर ना आया, यू ना आया, पर खुद कौन से इतने बड़े IPS थोड़ी बन गए तुम मेरे यार। तो भाई किसी की बातों पर ध्यान मत दो, अगर कोई कुछ तुम्हें बोलता भी है तो भाई डीमोटिवेट नहीं होना, सिर्फ हमें मोटिवेशन होना, अगर हमें किसी ने कुछ बात बोल दी कि भाई इतने दिन से तू भर्ती ना हुआ कोई दिक्कत ना, तो भाई कोशिश करो कि हमें अगर 10 चक्कर मारे तो अब हमें 20 मारने हैं, मेहनत करो दबा के, और हो सकता है आर्मी की भर्ती भी जल्दी आए, तो भाई तैयारी में कोई कसर मत छोड़ो, करो काम ओके की रिपोर्ट में। अगर कोई भी किसी को कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करो, सबकी कमेंट का मैं रिप्लाई करूँगा, प्लीज़ कमेंट जरूर करना भाई, और आपकी सबकी कमेंट मैं देखूँगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, मैं आपका भाई उदित त्यागी, लव यू सबको।